टेक्निक अगर इजी हो ना तो सब आसान लगता है। एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, जितने पेटल्स हमें बनाने हैं उतने रेफरेंस लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब कोई भी एक नॉर्मल स्केच पेन लेके हमें डिस्क फ्लोरेट्स को ड्रॉ कर लेना है और जितने पेटल्स हैं उनका आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। जितने भी पेटल्स हम लोगों ने बनाए हैं ना सर्कल के कारण एक समान होंगे, एक साइज के होंगे, ये एक बेनिफिट है। हम लोगों ने इरेज कर लिया रेफरेंस लाइन। सेम टेक्निक से हम लोग दूसरे एंगल में भी फ्लावर को बना सकते हैं, उतने ज़्यादा जितने आपको पेटल्स चाहिए उतने हम लोगों ने लाइन्स बना लिए रेफरेंस लाइन और उसको आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अनदर एंगल, हर एक एंगल में हमने आपको बता कि आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्लावर, तो हमारा फ्लावर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कलर करेंगे कोई भी एक कलर पेंसिल से, फ्रंट वाले पेटल्स को हम लोग थोड़ा लाइट रखेंगे और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे दूसरे लेयर में उसको थोड़ा डार्क रखेंगे। उसके अलावा ड्यूल कलर्स येलो से भी कर सकते हैं और एक अच्छा इफेक्ट लेके आ सकते। तो ट्यूटोरियल कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।